और अति आग्रह के कारण मैं आज यहाँ आया हूँ। ऐसे मेरे भाई यहाँ के लोकप्रिय सांसद हरीश द्विवेदी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, श्री सतीश द्विवेदी जी, जगदम्बिका पाल जी, संजय चौधरी जी, महेश शुक्ल जी, अजय सिंह जी, दयाराम चौधरी जी, संजय प्रताप जायसवाल जी, सीपी शुक्ला जी, रवि सोनकर जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रूपम मिश्र जी, पवन कौशोधन जी और अशोक सिंह जी, और आज इस कार्यक्रम में बस्ती जनपद से आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। मित्र, कोई बहुत समय नहीं है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मैं 2016 में यहां आया था, यहां पर बूथ सम्मेलन था और कहा था कि आप यहां पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर दीजिए, हम उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन करेंगे। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक अनेक प्रकार के परिवर्तन एक साथ दिख रहे हैं। एक और तो 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और दूसरी ओर बस्ती के हर युवा को जोड़ने वाला खेल महाकुंभ भाई हरीश भाई, हमारे प्रिय सांसद, लेकर आगे बढ़े हैं। मैं अभी स्टेडियम में जाकर आया, वहां सारे खिलाड़ी बच्चे, अरे सुनो भाई सुनो, बैठ जाओ सब लोग। सारे ये टीवी वाले भाई, आप ईश्वर कर दो तो वो ज्यादा नारे नहीं लगाए, आप मेरी ओर कर दो। चेक्स वाले भाई, ठीक है, आप लोगों को खेल महाकुंभ करने के लिए कहा है, मैं भी एक सांसद हूं, मगर मैं आज आप सबके सामने सार्वजनिक रूप से, पूरा यूपी देख रहा है, मैं स्वीकार करता हूं कि हरीश द्विवेदी जैसा मैं खेल महाकुंभ नहीं कर सकता जो हरीश भाई ने। एक सांसद लगन से जब जनप्रतिनिधि बनता है, जनता की समस्याओं को अपना बनाता है, जनता के, युवाओं के, महिलाओं के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के विकास को अपना लक्ष्य बनाता है, तभी जाकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसलिए मैं हरीश भाई को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अब चुनाव सर पर आया है और चुनाव सर पर है तब मैं कहने आया हूं, आप मुझे बताओ भाई कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे पूर्वांचल में कहीं माफिया दिखाई पड़ता है क्या? माफियाओं का सफाया हुआ है या नहीं हुआ है? ये जो पलायन कराने आए थे, योगी जी ने यूपी में उनका पलायन करा दिया है। यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और इसी का कारण है कि यूपी में आज विकास आगे बढ़ा है। जिस प्रदेश में, जिस देश में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक न हो, वहां विकास कभी हो नहीं सकता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे खेती हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे उद्योग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर तरह से चौमुखी विकास योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। और मित्रों, किसानों के लिए मोदी जी ने जो काम किया है, वो 75 साल की आजादी में देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया।
यूपी के अंदर 46 लाख किसानों का 37,000 करोड़ का ऋण माफ करने का काम यूपी सरकार ने किया। 435 लाख मैट्रिक टन दाल और गेहूं और 80,000 करोड़ के दाल और गेहूं खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में 2,53,00,000 किसानों को 98,000 किसानों को 37,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। 45 कृषि मंडियों को टैक्स फ्री किया है, 27 मंडियों को कंप्यूटर से जुड़ा है और इस शुगर कैन का कटोरा मनाने वाले, गन्ने का कटोरा मनाने वाले प्रदेश में नई शुगर मिल भी चालू करने की प्रक्रिया योगी जी ने कर दी थी। एक जमाना था जब पुलिस के कर्मचारी बाहुबलियों से डरते थे, वो भय करते थे कि आ गए क्या होगा, ये आ गए क्या होगा, मगर आज पुलिस को देखकर बाहुबली गले में पट्टी बनाकर निकलते हैं, हम शरण में आते हैं, गोली मत चला। ये जो परिवर्तन आया है, आए दिन दंगे कर्फ्यू, ये जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के कारण आया है। मित्रों, मोदी जी स्वयं यूपी के सांसद है, यूपी के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और मोदी जी ने भारत सरकार का खजाना अपने यूपी और पूर्वांचल में खोल दिया और इसके कारण इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में 2020 में यूपी को पहला स्थान मिला, आवास योजना में यूपी को पहला स्थान मिला, एमएसएमई उद्योग बढ़ाने में दूसरा स्थान मिला, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनाने में पहला स्थान मिला, सबसे ज्यादा गैस यहीं बांटे गए, पीएम स्वनिधि योजना में सबसे ज्यादा ठेले वालों को लोन यहां दिया गया, 39 करोड़ पौधे यही लगाए गए, सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन देने में यूपी नंबर वन, गन्ना चीनी गेहूं आलू हरी मटर आर आम आमला इस सारे उत्पादों में भारत में सर्वप्रथम अपना उत्तर प्रदेश है और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मित्रों, जो विकास की आंधी आई है उसको आगे बढ़ाना है। बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, बहुत कुछ किया है योगी जी ने, मगर बहुत कुछ करना भी बाकी है। आपका एक बार फिर से आशीर्वाद चाहिए। मिलेगा क्या? जोर से बोलो, मिलेगा क्या? मित्रों, आने वाले चुनाव में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला विजय भारतीय जनता पार्टी को देना है। देंगे क्या बताइए? आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत
बहुत धन्यवाद महोदय। और बस्ती जनपद आज सौभाग्य को प्राप्त हुआ, आपका सानिध्य पाकर बहुत बहुत आभार इस जन...